हेलो फ्रेंड, आप सभी के मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं जोहान और आप देख रहे हैं जोहान टेक्निकल। सो फ्रेंड, आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, ट्रेन में कहीं घूमने सफ़र कर रहे हैं आप, और सपोज़ कीजिए आपका फ़ोन जो है कभी गिर जाता है कहीं पर, जैसे ट्रेन में जो आते हैं कोई टनल वगैरह आते हैं और आपका फ़ोन अगर वहाँ गिर जाता है, तो आपको क्या क्या करना चाहिए, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, जिससे कि आपका फ़ोन, इसके अंदर 50% चांस है कि आपका फ़ोन बच सकता है। सो फ्रेंड, मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ। सो फ्रेंड, वीडियो को एंड तक देखिएगा। फ्रेंड, आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो 50% चांस हो सकता है आपका मोबाइल आपको वापस आ सकता है जो आपका फ़ोन गिरा है। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, इसके लिए आपको क्या करना है, सपोज कीजिए आप कहीं जा रहे हैं और आपका फ़ोन गिर जाता है, तो आपको क्या करना है, जहाँ भी आपका फ़ोन गिरा है तो सबसे पहले तो आपको देख लेना है, जहाँ पर भी आपका फ़ोन गिरा है तो यहाँ पे एक गेट सा बना होता है, आपने देखा होगा स्टेशनों के पास, स्टेशन के जब आगे निकलते हैं हर जगह पे जब एंट्री करते हैं, OHE पास कहा जाता है, उसके अंदर जो OHE वायर होता है ना ट्रेन का, उसके अंदर OHE वायर जो होता है उसके अंदर एक नंबर लिखा हुआ होता है OHE पोल के ऊपर, तो आपको उस नंबर को देख लेना है और जहाँ पर भी आपका फ़ोन गिरा है आपको उसके नेक्स्ट स्टेशन पे, जहाँ पर भी आपका स्टॉप है वहाँ के स्टेशन मास्टर को बताना है कि ऐसे ऐसे बात है मेरा फ़ोन गिर गया है, तो आपको उनको इन्फॉर्मेशन देनी है। तो इससे क्या होगा, जो वहाँ के लाइनमैन होंगे तो वहाँ से उनको कम्युनिकेट किया जाएगा और आपका फ़ोन अगर मिल सकता है तो इसके अंदर आपका फ़ोन मिल भी, अगर आपको उनको मिल गया आपका लाइनमैन को, तो हो सकता है वो फ़ोन आपको लौटा भी दें। इसी तरह से कुछ रूल है रेलवे का। और आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय एंड टेक केयर।